नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। हमारे देश में मकर संक्रांति के पर्व का ही विशेष महत्व है। इस त्योहार को हर साल जनवरी के महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। देश में विविध राज्यों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। कभी कभी यह एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में भी मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताओं के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और अलग अलग पकवान भी बनाए जाते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसी त्योहार को आज सदर छावनी परिसर में रैली निकाली गई और अपने इष्ट देव को प्रसन्न किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आप सभी को भी तत्काल न्यूज टीम की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। आज मकर संक्रांति है और इसी के साथ हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ का पहला स्नान हो रहा है। महाकुंभ मकर संक्रांति के स्नान से लेकर 27 अप्रैल के चैत्र पूर्णिमा तक चलेगा। इस बार हरिद्वार में 12 साल के बजाय 11 साल में ही महाकुंभ लग रहा है, जिसे अद्भुत माना जा रहा है। और इस बार कुंभ का आयोजन ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम पर आधारित है। इस पे गंगा का शुद्धता और पर्यावरण पर जोर रहेगा। इसके तहत बिजली का कम से कम और सौर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी योजना है। चार अलग अलग तस्वीरें सामने आप देख पा रहे हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप सभी को तत्काल न्यूज टीम की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।